कुछ कहना चाहोगे? उनका बर्थडे तो बहुत ही हमेशा अच्छी तरह से मनाया जाता है। मैं कल मथुरा में थी, लेकिन मैं आज सुबह का फ्लाइट पकड़ के जल्दी से यहाँ आई। यस, थैंक यू टू बी विद यू। काफ़ी किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ मैम? हमने देखा केक कटिंग हुई फैंस के साथ, बहुत धमाकेदार हुई, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? उनके फैंस ऑल ओवर इंडिया इतने हैं, कभी मध्य प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से, भर भर के लोग आते हैं। क्योंकि धर्म जी सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलते भी हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है, सब वाके मिल के जाता है। मैम दुल्हन दुल्हन को किस तरह की बेस्ट विशेष आप देना चाहिए, एक सलाह अगर आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होगी कुछ अगर आप बता सके? कुछ जैसे जैसे हेमा जी की और धर्मेंद्र जी की जोड़ी हमारे, वैसे बच्चों की जोड़ी हमारे, हमेशा साथ में रहे। हम तो यही प्रे करेंगे राधा कृष्ण की जोड़ी बनके रहे। गुजरात में भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई है, आप उस पे क्या? तो इसके लिए बहुत ही खुशी होती है। हम सब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हेमा जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन हिमाचल की अगर हम बात करें और आप दिल्ली की, तो जो गरीब तबका है वो काफ़ी महंगाई हो इस तरह के मुद्दे को लेके काफ़ी लोग परेशान रहे, गैस सिलेंडर के भाव है, तो क्या आप एक मैसेज देंगे कि मोदी जी को कि थोड़ा कम होगी कि जो मध्यम वर्ग का परिवार? मोदी जी देखिए, पूरे गरीब से गरीब परिवार को देखभाल करते हैं, ऐसा हमारा नेता है मोदी जी कभी गरीबों के हित में ही सारा काम करते हैं, इतना कुछ किया है उन्होंने। महंगाई आगे पीछे जाता है, उसको एक मुद्दा बना के ऐसा कहना बहुत गलत बात है कि गरीब जनता के लिए ही काम करती है हमारी सरकार। थैंक यू सो मच।